क्लास टेंथ जीपी बोर्ड देखिए हिंदी काव्यखंड में चैप्टर है काव्यखंड में महादेवी वर्मा हिमालय से। पहले महादेवी वर्मा जी के बारे में पढ़ते हैं फिर पढ़ेंगे हिमालय से। देखिए जीवन पीछे महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के एक शिक्षित परिवार में सन 1907 ईस्वी में हुआ। इनके पिता श्री गोविंद वर्मा भागलपुर बिहार के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे तथा माता श्रीमती हेमरानी देवी धार्मिक स्वभाव की थी। इनकी माता जी को हिंदी साहित्य में विशेष रुचि थी, कभी कभी वह कविता भी लिखा करती। इस प्रकार महादेवी वर्मा जी को साहित्य अनुराग पैतृक रूप में इन माता पिता से ही प्राप्त हुआ। इनके ये संस्कार अवसर पाते ही विकसित हो उठे। देखिए आगे महादेवी जी ने सन 1933 में 33 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में संस्कृत विषय एमए किया और उसी वर्ष प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य नियुक्त हो गई। इस पद पर कार्य करते हुए इन्होंने कुछ समय तक चांद नामक पत्रिका का संपादन किया। इनके जीवन पर महात्मा गांधी का और इनकी कला साधना पर कवि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का विशेष प्रभाव पड़ा। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। सन 1983 ईस्वी महादेवी देवी जी को इनकी काव्य ग्रंथ यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। महादेवी वर्मा जी को इनकी रचना यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसी वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने इनको 1,00,000 रुपये का भारत भारती पुरस्कार भी देकर सम्मानित किया। साहित्यिक सेवाओं का सम्मान किया तथा सन 1987 ईस्वी में महादेवी वर्मा जी का निधन हो गया। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। ये कहें कि आधुनिक मीरा के नाम से हिंदी साहित्य में ये प्रसिद्ध हैं। देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगी, दीपशिखा, यामा। इन संग्रहों के अतिरिक्त महादेवी वर्मा जी की सप्तवर्णा और हिमालय काव्य कृतियाँ हैं। इन्हीं कविता संग्रहों में कुछ गीतों के संकलन संधिनी और आधुनिक कवि शीर्षक रूप से शीर्षक प्रकाशित हो चुके हैं। गद्य में अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां, मेरा परिवार आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनकी भाषा जानते हैं सिद्ध शुद्ध साहित्य खड़ी बोली, संस्कृत के तत्सम शब्दों का भी इन्होंने अधिकतम प्रयोग किया है। शैली चित्र शैली, प्रगीत शैली, ध्वन्यात्मक शैली, संबोधन शैली, प्रश्न शैली आदि हैं। देखिए आगे आज हम लोग पढ़ेंगे हिमालय से इनकी एक रचना सांध गीत, उसी में से ये हिमालय लिया गया है। स्वर्ण रश्मि माने देगी हे चिर महान, यह स्वर्ण रश्मि छू सोए दुहाल। स्वर्ण रश्मि माने होता है सुनहरी किरणे, सुबह सुबह की प्रातः काल की सुनहरी किरणे। बरसा जाती रंगीन हास से ही बनता है इंद्रधनुष, परिमल मलमल जाता बतास, पर रागहीन तू ही निधान, पर रागहीन तू ही निधान। लेकिन रागहीन माने वैरागी, जिसके पास कोई राग ना हो वैराग। परिमल माने होता है सुगंध, बतास माने वायु, हास माने हंसी, से ही माने पगड़ी। हे चिर महान, यह रश्मि छू स्वेद भाग, बरसा जाती रंगीन हास, सेली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मलमल जाता बतास, पर रागहीन तू हिम निधान। देखिए यहाँ हिमालय की विशेषताओं का वर्णन किया है महादेवी वर्मा जी ने। हिमालय की विशेषताओं के बारे में बताते हुए क्या कहते हैं, हे चिर महान, हे हिमालय तुम सदैव महान, तुम चिरकाल से ही अजय कहें कि सदैव से महान हो। यह स्वर्ण रश्मि छू सफेद भाल, बर्फ से ढके हुए तुम्हारे सफ़ेद मस्तक का स्पर्श, बर्फ से ढके हुए
तुम्हारे सफ़ेद मस्तक का स्पर्श करके सूर्य की सुनहरी किरणें हंसने लगती हैं। क्या कहिया यह स्वर्ण रश्मि छू स्वेद भाल बरसा जाती रंगी हाँस। क्या कहने क्या कहने बर्फ से ढके हुए तुम्हारी सफ़ेद ऊंची चट्टाने जो मस्तक के समान है जो मस्तक के समान है सूर्य की सुनहरी किरणें स्पर्श करके हंसने लगती हैं और उसकी रंगीन हंस बरसा जाती रंगीन हंस और उसकी रंगीन हंसी चारों ओर बिखर जाती है। बरसा जाती रंगीन और उसकी रंगीन हंसी चारों ओर बिखर जाती है। सेली बनता है इंद्रधनुष परिमल मलमल जाता बताश पर रागहीन तू हिम निधान। सेली बनता है इंद्रधनुष उस समय ऐसा प्रतीत होता है मानो चारों ओर प्रकृति की प्रगति प्रसन्नता से हंस रही हो रंग बिरंगा इंद्रधनुष ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे सिर पर सेली माने पगड़ी रंग बिरंगा इंद्रधनुष ऐसा लगता है जैसे सुमाए तुम्हारे सर पर रंग बिरंगी पगड़ी बांध दी गई हो परिमल मलमल जाता बताश पर रागहीन तू हिम निधान। शीतल वायु तुम्हारे अंग अंग में सुगंधित पदार्थों का लेपन कर देती है किंतु हे हिमालय तुम फिर भी वैरागी के समान उदासीन ही रहते हो नभ में गर्वित झुकता नासीस पर अंक लिए हैं दीन छार मन गल जाता नत विश्व देख तन सह लेता कुलिस भार कितने मृदु कितने कठिन प्राण। हे हिमालय नभ में गर्वित झुकता नासीस हे हिमालय तुम आकाश में ऊंचा किए हुए गर्व से खड़े हो तुम आकाश में अपना मस्तक रूपी चोटी ऊंची लिए खड़े हुए हो। गर्वित न झुकता न शीस गर्व से खड़े हुए तुम्हारा सिर किसी के सामने कभी झुकता नहीं है पर अंक लिए हैं दीन छीर परंतु तुम इतने महान हो कि दीनहीन मिट्टी को अपनी गोद में लिए रहते हो। मन गल जाता नत विश्व देख तन सह लेता है पुलिस भार संसार को अपने सामने झुका हुआ देखकर तुम्हारा मन दया से पिघल जाता है तन सह लेता है पुलिस भार तुम्हारा शरीर कठोर भार को भी सहन कर लेता है कितने मृदु कितने कठिन प्राण। हे हृदय हे हिमालय तुम अंदर से कितने कोमल हो किंतु कठोरता को भी सहन करने की शक्ति रखते हो अर्थात तुम अंदर से बहुत कोमल हो और बाहर से बहुत कठोर हो इसलिए तुम अत्यंत कठोरता को भी सहन कर लेते हो। देखिए आगे टूटी है तेरी कब समाधि झंझा लौटे सत सतहार टूटी है तेरी कब समाधि झंझा लौटे सत सतहार बह चला द्रगो से किंतु नीर सुनकर जलते कड़की पुकार सुख से विरत दुख में समान। मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप तन तेरी साधकता छूले मन ले करूँगा कि था नाप उर्मी पावस द्रग में निहान।
देखिए, टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटी सत सतहार। हे हिमालय तू कठे, हे हिमालय तू कठोर तपस्वी की भांति समाधि लगाए हुए है। तू कठोर तपस्वी की तरह समाधि लगाए हुए है। इस समाधि से झंझा लौटी, झंझा मतलब आधी तूफान, इस समाधि को आंधी तूफान सैकड़ों झटके भंग नहीं गए, आंधी तूफान के सैकड़ों झटके भंग नहीं कर सके। वे तो केवल टकराए और हार मानकर लौट गए, वे केवल आए टकराए और हार मानकर लौट कर चले गए, हार मानकर लौट कर चले गए। बह चला द्रगो से किंतु नीर सुनकर जलते कड़की पुकार। एक ओर तो तुम इतने कठोरता हो, एक ओर तो तुम इतने कठोर हो, दूसरी ओर जब तुमने तीव्र धूप से तपते हुए, एक ओर तो तुम बहुत कठोर हो लेकिन दूसरी ओर जब तुमने तीव्र धूप से तपे हुए धूल के कण की चित्कार सुनी, धूल के कण की चित्कार या दुख भरी कहानी सुनी, तो दया के कारण तुम्हारे नेत्रों से जल की धारा फूट पड़ी, दया के कारण तुम्हारे नेत्रों से जल की धारा फूट पड़ी। सुख से व्यर्थ दुख में समान, तुम सुख की कामना नहीं करते, तुम सुख की कामना नहीं करते हो, अपितु अर्थात तुम सुख दुख में समान रहने वाले योगी हो, तुम सुख युग में एक समान रहने वाले योगी हो। देखिए आगे महादेवी जी कहती हैं, मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप, तन तेरी साधकता छूले मन ले करुणा की था नाप, उर में पावा सतरग में विहान। महादेवी जी कहती हैं कि हे गिरिराज मेरी तो यही कामना है कि मेरे जीवन की मौन भावना तुम्हारी छाया से मिल जाए। देखिए महादेवी वर्मा जी क्या कहती हैं, कहती हैं हे पर्वतराज, हे गिरिराज, मेरी तो यही कामना है कि मेरे जीवन की मौन भावना तुम्हारी छाया से मिल जाए। तुम्हारे जीवन की मौन भावना मेरे जीवन से, अरे सॉरी, मेरे जीवन की मौन भावना तुम्हारे छाया से मिल जाए। जिस प्रकार कहने मतलब है, जिस प्रकार तुम्हारा शरीर कठोर अंदर से कोमल और बाहर से कठोर है, उसी प्रकार मैं भी चाहती हूँ महादेवी वर्मा जी की, मेरा भी हृदय अंदर से कोमल और बाहर से मेरा शरीर अत्यंत कठोर हो जाए। देखिए क्या कहती हूँ, तन मेरी साधकता छूले मन ले करुणा की था नाम, मेरा शरीर भी साधना की उस सीमा तक पहुँच जाए जहाँ तक तुम्हारी साधना पहुँची, मेरा मन भी उतना ही करुणापूर्ण हो जाए जितनी करुणा तुम्हारे हृदय में भरी हुई है। मेरे हृदय में भी वर्षा का निवास है, तथा नेत्रों में प्रातःकालीन सौंदर्य विद्यमान है, कवित्री के तात्पर्य है कि जिस प्रकार हिमालय सारे कष्ट संकट संकटों को आंधी वर्षा आदि को झेलता है, उसी प्रकार मैं भी अपने जीवन में आने वाले कष्टों को संघर्षों को सहन करने में या जो कहें सहन करने की शक्ति मिले, या उसी प्रकार मैं भी संकटों को आने पर अपने जीवन के आदर्शों से विचलित ना हो सके, यानी चाहे जितने संकट आए लेकिन मैं अपने आदर्श से कभी भी अपने मार्ग से भटकूं नहीं, इधर उधर हटूं नहीं। हिमालय को देखकर उसके महान गुणों को ये कहेंगे, हिमालय को देखकर उसके महान गुणों को अपने मन में सहेजने की कामना कर रहे हैं यहाँ महादेवी वर्मा जी। जैसे उसके अंदर बहुत से गुण हैं, आंधी तूफान सब सहते रहते हैं, वर्षा धूप सब कुछ सहते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर करुणा है, दया है, और कठोर से उनका शरीर बाहर से कठोर है। उसी प्रकार महादेवी वर्मा जी भी अपनी कामना व्यक्त करते हुए क्या कहते हैं, मैं भी आपकी तरह अंदर से
बहुत कोमल करुणार्थ और बाहर से बहुत कठोर बनना चाहती हूँ कि ताकि मेरे जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ जो हैं, परेशानियाँ जो हैं आएँ, तो उनको मैं सहन कर सकूँ और अपने जीवन के आदर्शों से कभी विचलित या कभी पीछे ना हटूँ। ये था आपका हिमालय से, इसको आप लोग कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा, महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय और हिमालय से इसका तत्संदर्भ प्रश्न व्याख्या और काव्य सौंदर्य। ठीक, इसके बाद है वर्षा सुंदरी के प्रति। वर्षा सुंदरी के प्रति इस बार आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, इस बार आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। 30% आप लोग जानते हैं आपका सिलेबस कम कर दिया गया है, तो इसको हटा दीजिए, इसलिए इसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक, अच्छे से आप लोग पढ़िए, काम कंप्लीट करिए सब लोग। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।